हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का गेम चेंजर्स में। आई विश आज का दिन आपका ट्रेडिंग में बहुत अच्छा रहा होगा, एंड यू कैन सी एवरीथिंग। हर दिन ही अच्छा जा रहा है, ऑलमोस्ट हम कंसिस्टेंट बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, चाहे माइनर ही बनाएं लेकिन प्रॉफिट डेली आ रहा है कंसिस्टेंटली। जो लोगो ट्रेडमार्क है गेम चेंजर्स का, बी कंसिस्टेंट, यस हम कंसिस्टेंट बना रहे हैं। तो आज कल एक्सपायरी है, एंड कुछ धमाकेदार ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं एक्सपायरी से मेरी, लेकिन मैं कल बुलिश ट्रेड करने वाला हूँ मार्केट को। एंड कल की ट्रेड्स बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए सेटअप की हैं। उससे पहले मैं आज की ट्रेड्स को ज़रूर एक बार रिव्यू करना चाहूँगा कि आज एक्चुअली हुआ क्या था, हमने क्या सोचा था। मैंने क्लियरली बोल दिया था कि इट्स ए क्रूशियल पॉइंट एंड एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए अपसाइड में मिलेगा, और सेम वही हुआ। उसके बाद बात करते हैं टाइटन की। भाई टाइटन के लिए बहुत सारे मेरे पास रिप्लाई आए, बहुत लोगों ने बोला सर टाइटन मतलब मास्टरपीस कॉल थी, सेल साइड लग रहा था लेकिन आपने बाई साइड दिया, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए मिला टाइटन से। और टाइटन बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन दिया और बहुत बढ़िया हिट्स दिया, मतलब 10 पॉइंट्स, मेजर मेजर 10 पॉइंट्स, बहुत बड़ा टारगेट टाइटन से हमको मिला, और मैंने भी अच्छा टाइटन में आज प्रॉफिट बनाया। रिलायंस निप्पॉन से एक्सपेक्टेशन थे बट वहाँ तक पहुँचा नहीं, सो इसको हम नॉन एग्जीक्यूटेड डाल देते हैं। मीन नियर ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट हुआ नहीं इससे, ना ही लॉस इसने हमको दिया। बात करते हैं बेल की। बेल अच्छा एग्जीक्यूशन दिया, 100.80 पर बेल ने अच्छा एग्जीक्यूशन दिया था, क्योंकि बेल एक लार्ज कैप स्टॉक है और बीटा वैल्यू इसकी अच्छी है, मतलब निफ्टी के साथ में इसका मूवमेंट निफ्टी की ट्रेंड के साथ ज़्यादा रहता है। सो बेल एग्जीक्यूशन हुआ, 100 के आसपास नियर लो बनाया और स्टॉप लॉस टच नहीं किया। बेल के पास, बेल के लिए भी काफ़ी सारे रिप्लाई आया कि सर बेल के साथ क्या किया जाए। तो मैंने क्लियर बोला था कि फोकस आज बुलिश स्टॉक्स पे किया जाए, क्योंकि मार्केट बाय साइड ट्रेंड कर रहा है, सो सेलिंग स्टॉक्स पे थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाए। तो बेल ने हमें लॉस नहीं दिया, लेकिन मैं इससे नो प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ अपनी साइड से। अगर किसी ने बुक किया होगा माइनर प्रॉफिट 80 पैसे का, तो वो बात अलग रही। 80 पैसा वैसे बेल में काफी हो जाता है, अगर क्योंकि एक छोटा सा स्क्रिप्ट है। माइंडट्री, जैसा मैंने आपसे कहा था कि धमाका करने वाला है, और माइंडट्री ने बहुत अच्छा धमाका किया। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट करता हूँ, 721 के पास से बाइंग दिया है माइंडट्री। और मैंने आपसे कहा था कल कि अगर माइंडट्री, आपको मैंने चार्ट पे क्लियरली दिखाया था कि माइंडट्री में कुछ बड़ा होने वाला है, और वो आज ही हो गया, मतलब 750 का लेवल पहुंच गया। मैंने 780 के लेवल का टारगेट दिया था, 777 का टारगेट है मेरा, और आज ही वो उसके पास पहुंच गया। काफी सारे लोगों ने एग्जीक्यूशन दिया है माइंडट्री में, ऐसा नहीं है कि 721 के पास अबव, 717 मतलब 4 पॉइंट अबव हो गया। देखिए अच्छी मतलब वैल्यू ज्यादा है, 717 के आसपास है, तो 721 से भी लोगों ने एग्जीक्यूट किया, 740 तक भी बुक किया। सो मतलब और ये सब ट्रिकी है, माइंड पे है, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अच्छा था, थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप क्लियरली पिक कर सकते थे माइंडट्री को, और बहुत बेहतरीन तरीके से माइंडट्री पिक किया गया। सो लेकिन मैं ज़्यादा क्रेडिट लूंगा नहीं इसका। अगर आपने 721 के पास से एग्जीक्यूट किया होगा तो आप 5 पॉइंट्स में सिर्फ क्रेडिट इसमें लूंगा, ज़्यादा क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूँ। माइंडट्री ने भी हमको प्रॉफिट दिया, लॉस नहीं देखे गया। बात करते हैं यूपीएल की। यूपीएल थोड़ा सा ट्रिक कर गया हमारे साथ, एक्चुअली वो ट्रेंड के साथ जा रहा था, फुल मैंने इसको नोटिस किया, फुल ट्रेंड के साथ जा रहा था, स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ, आप ये बात ध्यान रखिएगा, SL नॉट हिट, बहुत पास के गया, 574.80 के पास का शायद क्लोजिंग है, हाई है, आई मे बी नॉट करेक्ट, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है इतना ही इसका हाई है। स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ, 567 के पास से बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिया, लेकिन लो बनाया 564 का। सो सिर्फ 3 पॉइंट्स, मतलब आप मान सकते हैं कि प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन नहीं बुक किया होगा किसी ने, और नहीं होता है बुक, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये बात, और मैं इसका क्रेडिट नहीं लूंगा कि ये बुक नहीं हुआ है किसी से। सो अगर आपने ऑटो स्क्वायर एफ में भी इसको छोड़ा होगा 570 के पास, तो आपको 3 पॉइंट्स का लॉस फेस करना पड़ा, और मैं एग्री करता हूँ कि हमने लॉस फेस किया है 3 पॉइंट्स का। मैं कोई क्रेडिट एक्स्ट्रा नहीं ले रहा हूँ, जो हुआ है जो रियलिटी है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अगर आपने बुक नहीं किया, या कॉस्ट पे आपने बोर होके कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया, इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं किया, मेरी साइड से कोई क्रेडिट नहीं है, मैं 3 पॉइंट्स का लॉस लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट्स का लॉस इसका हटा दें, माइंडट्री आपने ट्रेड किया, टाइटन वेल फिनिश्ड वेल फर्निश्ड ट्रेड आपने किया, आप प्रॉफिट में ही रहे आज, और लॉस नहीं हुआ, काफी बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट आज का भी रहा, और सेम कंसिस्टेंट रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर से शुरू करते हैं,
आज की ट्रेड्स 5 दिसंबर के लिए बहुत अच्छे ट्रेड सेटअप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। निफ्टी माइनर से रिट्रेसमेंट के साथ ओपन हो सकता है सेल साइड में, क्योंकि हल्का सा माइनर फ्रेम में आपको रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अभी शो करूंगा 12,043.20 के पास क्लोजिंग दिया है, एंड 31,989.30 के पास मैंग निफ्टी क्लोजिंग दिया है। निफ्टी का टारगेट ओपनिंग का मुझे लग रहा है 12,020 से 12,030, एंड मैंग निफ्टी ओपनिंग लग रहा है 31,940 से 31,960। सेम बैंक निफ्टी में ओपनिंग हल्का सा रिट्रेसमेंट के साथ 31,940 से 31,960 के बीच में, और एक्सपायरी है कल, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा मेरा मार्केट से। मैं ट्रेड करूंगा केयरफुली, लेकिन बुल साइड में ट्रेड करूंगा। सो क्विकली एक बार रिव्यू कर लेते हैं निफ्टी को। फॉर 15 मिनट का फ्रेम अगर आप लेंगे तो एग्जैक्ट 200 MA को टच किया, और मुझे सेम मेरा यही मानना था कि ये 200 MA को तो टच करेगा ही करेगा, और उसके बाद रिट्रेसमेंट दिखा दिया, मतलब रिजेक्शन दिखा दिया 200 MA लाइन पर। सो हमारा बुलिश मूवमेंट बनता है 12,060 के ऊपर। अभी 12,060 मेंटेन करेगा निफ्टी, बुलिश बुल ट्रेंड में रहेंगे और बेहतरीन तरीके से ट्रेड करेंगे। 5 मिनट्स का चार्ट आई डोंट थिंक कि रिव्यू करने की जरूरत है। 5 मिनट्स के चार्ट में कंटिन्यूसली 200 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन माइनर रिजेक्ट, काफ़ी सारे रिजेक्शन आपको देखने के लिए यहाँ मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आप सेम देख सकते हैं, 15 मिनट्स के फ्रेम में डाउन साइड आया और बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब क्या बोलूँ, अब 45 रुपए की कॉल 31,900 की हमने अपने चैनल पे ट्रेड किया। टारगेट बहुत बेहतरीन था और हिट भी हुआ, लेकिन उससे पहले हमारा स्टॉप लॉस टच हुआ। थोड़ा सा माइनर सा स्टॉप लॉस अगर मुझे नीचे रखना था, 4 से 5 पॉइंट्स में नीचे रखता तो हम सेफ थे, सिर्फ 4 या 5 से हमारा स्टॉप लॉस गया, और ऑलमोस्ट वो उस रेट से वो 200 के लेवल तक, मतलब वो गया। इट वॉज अ बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैं पिक किया, मैंने प्रॉफिट बनाया उसमें, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस टच हुआ। आई एक्सेप्ट दिस। सो बैंक निफ्टी में सेम रिजेक्शन मुझे लग रहा है, ये माइनर सा ओपनिंग के साथ हो सकता है पॉसिबिलिटी ओपन हो, लेकिन अगर चार्ट पर 31,980 का लेवल मेंटेन करता है बैंक निफ्टी, हम बाय साइड जाएंगे। 32,400 कल का मेरा टारगेट है, देखा जा सकता है। चलिए अब अपने इसके प्रीव्यू करते हैं। फर्स्ट है मेरे पास बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी को मैं बाय करने जा रहा हूँ 160-80 के ऊपर। बलरामपुर चीनी को मैं बाय करूंगा 160.80 के ऊपर। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 164, सेकंड टारगेट 165, स्टॉप लॉस में यूज करूंगा 157। काफी अच्छा दिखाई दे रहा है बलरामपुर चीनी। अब 15 मिनट्स का फ्रेम अगर आप मैं देखूँ, कंटिन्यूसली 50 WMA एंड छोटे छोटे -921 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो मेन थिंग है हमारे पास इसमें, रिसेंटली अपना कंजेशन बॉक्स को ब्रेक करने के बाद अपसाइड ब्रेकआउट इसने 15 मिनट्स के फ्रेम में दिया हुआ है। अगर मैं फ्रेम को और श्रिंक कर दूं, आपको और भी क्लियरली यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि एक रिट्रेसमेंट अगर इसमें हुआ तो इस लेवल पे इसमें रिट्रेसमेंट हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस रिट्रेसमेंट के हैं नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आप देख लीजिए, वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है बाय साइड में, और RSI देख लीजिए 79 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 75 जब क्रॉस करता है तो मेरा मानना रहता है कि 85-88 तक RSI उसके बाद जाना चाहिए, और शार्प अप ट्रेंड, शार्प हाइक अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ऊपर की साइड देखने के लिए मिला हुआ है। अगर आप 5 मिनट का फ्रेम रिव्यू करें तो कंटिन्यूअसली, मतलब अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड किया हुआ है। सो एक और कैंडल 161 के ऊपर, 160-80 के ऊपर, मतलब एक बिगेस्ट कैंडल के ऊपर एक और कैंडल अगर प्ले करना शुरू करता है, ट्रेड करना शुरू करता है, बलरामपुर चीनी इजीली हमको अपना टारगेट 165 देके जाएगा। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है मेरे पास रिलायंस। रिलायंस कल बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है रिलायंस को ट्रेड करना। ट्रिकी ये है कि प्लीज ज्यादा देर रिलायंस में नहीं रुकना है। टारगेट बन गया 1564 आ गया, 1562 आ गया, बस क्विकली यहाँ से निकलना है, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ा प्ले कर जाता है। 1557 के ऊपर मैं रिलायंस को एग्जीक्यूट करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1567, सेकेंड टारगेट 1566, और एक 1600 की कॉल अगर आप चाहें तो पिक की जा सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिलायंस का टारगेट 1620 प्लस रहने वाला है दिसंबर एंड तक, या ऊपर भी जा सकता है, मिनिमम 1620 दिसंबर तक का रिलायंस का टारगेट रह सकता है। सो रिलायंस को क्विकली रिव्यू करते हैं। 10 मिनट्स का फ्रेम अगर आप देखें तो, मतलब बहुत अच्छा WMA के ऊपर एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ, जैसे कंटिन्यूअसली ड्रैग कर रहा था, बहुत अच्छा पुल बैक और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ पुल बैक, मतलब जितना यहाँ वॉल्यूम बना उस पूरे को बीट किया यहाँ, मतलब फुल टू कॉपी, रेड का ग्रीन और ग्रीन का रेड फुल टू कॉपी यहाँ हुआ है।
मतलब फुल फुल चांसेस हैं कि क्रॉसओवर आपको नेक्स्ट कैंडल में मिल ही जाएगा। 50 DA 50 WMA के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करना शुरू कर ही दिया है। अगर फ्रेम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 5 मिनट्स कर देते हैं, कंटिन्यूअसली आपको सिर्फ बाय साइड वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। ADX आप देख सकते हैं कि मीडियम लाइन बहुत अच्छे ट्रेंड में है, और पॉजिटिव लाइन नेगेटिव लाइन को क्रॉस करके अपसाइड उसके साथ निभाने के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है। और शार्प अप ट्रेंड मतलब शार्प हाइक आप देख सकते हैं अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, जो कंटिन्यूअसली 50 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो सारे इंडिकेटर्स हमारे सपोर्ट में है, कैंडल्स हमारे सपोर्ट में है, मतलब एकदम रेसिस्टेंस लाइन से ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर कैंडल्स बनना शुरू हो गया है। सो बहुत इजीली 1570 का लेवल तो मेरे हिसाब से बहुत इजीली रिलायंस में देखने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट स्किप है मेरे पास एक्सिस बैंक। यस एक्सिस बैंक मैंने आज भी ट्रेड किया था सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल साइड। मैं इसको फिर से ट्रेड करने जा रहा हूँ 742 के ऊपर, मैं एक्सिस बैंक को बाय करूंगा। बड़ी उम्मीदें हैं मेरी इससे कि मुझे ये कल किसी भी तरह 755 का या 753 का टारगेट कल मुझे दिखा सकता है एक्सिस बैंक। तो 742 के ऊपर इसको मैं बाय करूंगा, जैसे मैंने कहा मैं ज्यादा ग्रीड नहीं करूंगा। कल 748 749 751 तक मैं एक्सिस बैंक को बुक करने जा रहा हूँ। एक्सिस बैंक को अगर मैं चार्ट पर रिव्यू करूँ तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बेहतरीन सा 30 मिनट्स के फ्रेम में एक बहुत बड़ा कैंडल मतलब अच्छे से वॉल्यूम के साथ में दिखाई दे रहा है। RSI 54 और मीडियन लाइन थोड़ा सा अनट्रेंडी है, 15.4 के पास ट्रेड कर रहा है, और जब 18 के आसपास पहुंचने लगते हैं ADX तब मैं मानता हूँ कि हाँ ट्रेंड डेवलप हो गया है। वो ट्रेंड बाय साइड या सेल साइड है किस साइड है वो आपको ये निगेटिव और पॉजिटिव लाइन बताती है। ग्रीन लाइन ने ऊपर टेक ओवर कर लिया है रेड लाइन को ब्रेक करके, और मीडियन लाइन भी ऑलमोस्ट उसके साथ जाने वाली है, तो ट्रेंड कंटिन्यू बन गया है। और अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस 50 MA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दो बड़े बड़े कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ईजी टारगेट मतलब 751 का होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अपने रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है, लेकिन वॉल्यूम के साथ में जाना चाह रहा हूँ, कैंडल्स के साथ इंडिकेटर के साथ में जाना चाह रहा हूँ। तो 746 का लेवल बहुत अच्छा मतलब इसका इजीली टच हो जाना चाहिए। 742 से मैं इसको एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, लेकिन सपोर्ट लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो सडनली एक अच्छे स्पाइक के साथ बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको मतलब एकदम से देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 50 मिनट्स के चार्ट में EMA क्रॉसओवर एग्जैक्ट 50 WMA के ऊपर हुआ है, और यहाँ कहानी बिल्कुल बदली हुई है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सेल ट्रेंड गया हुआ है, बाय ट्रेंड आ गया है। 50 SMA को बहुत बेहतरीन तरीके से ब्रेक करके अपसाइड जाने वाली है ब्लू लाइन। ADX सपोर्ट में है, RSI 58। एक्सिस बैंक फुल कोशिश करेगा अपना टच को अपने प्रीवियस टॉप को टच करने का, जो कि है इसका हमारे टारगेट लेवल के पास 747 के पास, और बहुत अच्छा सपोर्ट पे यहाँ आ जाएगा। अगर फर्स्ट सेशन में टच कर लेता है अपना टॉप तो इसके ऊपर मेंटेन करता है, और जो बहुत ही अच्छा टारगेट है जो मैंने आपको बोला 757 753 का देखा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ रिव्यू टाइप है। लेकिन हमारा टारगेट हम कंसिस्टेंट रहेंगे, हम स्टिक रहेंगे अपने 748 के टारगेट पर। एंड अगेन आप कनेक्ट रह सकते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे गेम चेंजर्स के साथ में, गेम चेंजर्स टी मेरा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं टाइप करके टेलीग्राम पर, और कंसिस्टेंट कंटिन्यूअसली मैं वहाँ अपडेट करता रहता हूँ, लाइव मार्केट पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। और इससे अलग जो मुझे ट्रेड्स मिलती हैं, इस वीडियो से अलग जो मुझे ट्रेड्स मिलती हैं, जैसे आज हमने GBP INR में धमाल मचा दिया था, बहुत बेहतरीन हमने हिट लगाया। अ करेक्ट एग्जीक्यूशन और एक्स्ट्रा ट्रेड्स और सपोर्ट मोरल सपोर्ट के लिए आप मतलब कंटिन्यूअसली कनेक्ट रह सकते हैं गेम चेंजर्स के साथ, मेरा चैनल ज्वाइन करके, नॉइस फ्री चैनल ज्वाइन करके, हेसल फ्री ट्रेडिंग के लिए गेम चेंजर्स, और चिट चैट ग्रुप थोड़ा सा नॉइजी है ट्रेडिंग जीरो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्किप पर। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा बाय साइड में, मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ 103.80 के ऊपर। लास्ट टाइम यहीं से स्टक हो गया था, लेकिन अब क्या चांसेस हैं कि टारगेट मिलेगा। 106.4 मेरा पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 107, स्टॉप लॉस में यूज करूंगा 100.20, मेरा एग्जैक्ट टारगेट है 114 प्लस दिसंबर मंथ एंड का, कि इतना जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, 114 से 117 के बीच में। क्विकली रिव्यू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा को चार्ट पर। 30 मिनट्स का फ्रेम अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है, और लेकिन WMA के एग्जैक्ट पास में EMA क्रॉस ओवर दिया है, तो चांसेस है कि हम बाय साइड जा रहे हैं। फ्रेम जितना ज्यादा लॉन्ग होगा और उतना ज्यादा अगर आपको मतलब इंडिकेटर्स आपके आपको फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपको आपकी चेकलिस्ट क्लियर है किसी भी फेवर में आपके, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स, मोस्ट ऑफ द कैंडल्स, वॉल्यूम आपके फेवर में है, जितना लॉन्गर फ्रेम में फेवर में है मतलब उतना बड़ा धमाका होने वाला है।
सो 30 मिनट्स का फ्रेम अभी रिव्यू कर रहे हैं, एकदम क्रॉस ओवर दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ में, मतलब बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम 1.7 मिलियन के पास वॉल्यूम, RSI 57 मतलब ऑलमोस्ट बाय साइड जाता हुआ, मीडियन लाइन ट्रेंड में आ गया है और ADX का ग्रीन लाइन तो ऑलमोस्ट ट्रेड कर ही रहा है ऊपर, 50 SMA के ऊपर अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं और बहुत बड़ी कैंडल्स के साथ में वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है और क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है 30 मिनट्स फ्रेम में। सो फुल चांसेस हैं कल धूम मचा देगा, गेम चेंजर्स ट्रेड साबित हो सकता है कल बैंक ऑफ बड़ौदा। कंटिन्यूसली 50 WMA के ऊपर ट्रेड करते हो, अपने सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाना शुरू कर दिया है और जब जाना शुरू कर देता है तो नया सपोर्ट ढूंढा जाता है और नया सपोर्ट है हमारे पास 106 के लेवल के आसपास। अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करें 106 का लेवल इजीली आपको मिल जाएगा। सो 106, 104 से 106 और लेकिन मैं टारगेट रखा है इसका टॉप और हमारा टारगेट है 107। टॉप तक कोशिश की जा सकती है कल जाने की, लेकिन हम जैसे मैंने पहले बताया क्विकली हम इसको बुक करेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है, कुछ भी पॉसिबल है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहती है मार्केट में, मार्केट ड्राइवन रहता है, लेकिन हम बुल साइड ट्रेड करेंगे, ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। एंड लास्ट अपोलो टायर्स पे मैं फिर से बाय करने जा रहा हूँ, 170 के ऊपर मेरा फर्स्ट टारगेट, 173.80 सेकेंड 175, स्टॉप लॉस में यूज़ करूँगा 166.3। अगर मैं अपोलो टायर्स को बाय कर क्विकली रिव्यू करूँ, बहुत अच्छा बेहतरीन मतलब मुझे दिखाई दे रहा है इसमें कि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि 188 का लेवल दिखा सकता है, लेकिन अभी तक मतलब क्या बोल सकते हैं कि फ्रीज हो रखा है, कोल्ड कोल्ड ब्लड हो रखा है। एक बहुत बड़ी बेहतरीन दो बड़ी कैंडल्स के साथ में EMA क्रॉसओवर जस्ट 50 WMA लाइन के पास में और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में एक बहुत अच्छी वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ डिले हो गया, कि एग्जैक्ट क्रॉसओवर कैसे यूज करना है, मतलब मल्टीपल क्रॉसओवर्स होते हैं आपके चार्ट्स पर, लेकिन कौन सा क्रॉसओवर करेक्ट है, कौन सा क्रॉसओवर प्रॉफिटेबल होने वाला है वो कैसे पता लगाएं, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी। और अपने सपोर्ट को ब्रेक करके अपसाइड ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकआउट दिया है सॉरी 1 आवर्स के चार्ट में, लेकिन अगर चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया जाए 15 मिनट्स फ्रेम पे आ जाए तो कंटिन्यूसली अपने सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया जो कि मेजर सपोर्ट है इसका, आप देख सकते हैं। सो 170 के ऊपर धमाल मचा सकता है अपोलो टायर्स और पहुंच सकता है 174-175 के लेवल तक, वही हमारा टारगेट है, उसी के पास हम इसको बुक करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एक्सपायरी, आई विश कि प्रीवियस एक्सपायरी की तरह इस एक्सपायरी पे भी हम धमाल मचाने वाले हैं। आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए कराइए एंड गेम चेंजर्स को ग्रो होने में हेल्प कीजिए एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा, गेम चेंजर्स के साथ आप टेलीग्राम पे कनेक्ट रह सकते हैं लाइव मार्केट सपोर्ट के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।